2011 देखिए, एक लॉटरी में एक व्यक्ति 1 से 20 तक की संख्याओं में से 6 भिन्न भिन्न संख्याएं या दिशा चुनता है, और यदि ये चुनी हुई 6 संख्याएं उन 6 संख्याओं से मेल खाती हैं जिसमें लॉटरी समिति ने पूर्व निर्धारित कर रखा है, तो वह व्यक्ति इनाम जीत जाता है। लॉटरी के खेल में इनाम जीतने की प्रक्रिया क्या है? जबकि यहाँ क्या कह रहे संकेत में कि संख्याओं के प्राप्त होने का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, क्रम जब महत्वपूर्ण नहीं है यानी कि वो संचय है, कॉम्बिनेशन पे आधारित है। ठीक है, तो 1 से 20 तक उसमें लिखा हुआ है ना, 1 से 20 तक संख्या दी है, 1 है 2 है 3 है ऐसे दिया हुआ है। इसमें से कितनी संख्या चुननी है? 6 संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1 से 20 तक की संख्याओं में से 6 को चुनने का तरीका क्या हो जाएगा यहां पर? तो यहां पर हम लोग ले लेंगे 20C6। तो यहां हो जाएगा आपका ऊपर 20 का फैक्टोरियल और बटा में 6 का फैक्टोरियल गुना 20 माइनस 6 का फैक्टोरियल। तो 20 का फैक्टोरियल और बटा में है आपका 6 का फैक्टोरियल गुना 14 का फैक्टोरियल। 20 का फैक्टोरियल है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 20 गुना 19 गुना 18 गुना 17 गुना है ना जी 16 गुना 15 गुना 14 का फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे 6 के फैक्टोरियल है तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और यहाँ पे गुना में 14 का फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 6 से काट देते हैं 18 को 3 बार में, 3 से ये 3 कट जाएगा। 5 से काट देते हैं 20 को 4 बार में, ये 4 से 4 कट जाएगा। 2 से 16 को काट देते हैं 8 बार में। ठीक है, अब जो बचा हुआ है उनको गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे कितना कितना है जी, तो देखिए यहाँ पे है 19 गुना में है आपके पास 17, फिर गुना में है आपके पास 8, फिर गुना में है आपके पास 15 इन है जी, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 38760 ही आ जाएगा। तो हमें निकालनी है जीतने की प्रायिकता ना, जीतने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो जीतने की प्रायिकता जब निकालनी है तो जीते जो व्यक्ति जीत रहा है और टोटल संभावनाएं यहाँ पे इतनी है 38760 ये ना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर